योगी मंत्रिमंडल में शामिल हुए 7 नए मंत्रियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, सरकार की कार्यशैली के बारे में समझा। सीएम के साथ 1.5 घंटे तक चली इस मुलाकात में विभाग और अन्य कार्यों को लेकर चर्चा की गई। नए कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा, आज शिष्टाचार के तहत ये मुलाकात हुई, पार्टी की क्या कुछ कार्यशैली रहेगी इस पर चर्चा हुई। जल्द ही नए मंत्रियों को उनके विभाग भी सौंप दिए जाएंगे। ये तस्वीरें आपके सामने, जो 7 नए मंत्री बनाए गए हैं, कैबिनेट में शामिल किए गए हैं, उन्होंने आज शिष्टाचार के तहत ये मुलाकात की, ये भेंट की सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। कमरे का आवास का आवंटन कर दिया गया है, फिलहाल विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, वो भी जल्द ही कर दिया जाएगा। लेकिन आज इस शिष्टाचार के तहत भेंट में, इस मुलाकात में सरकार की क्या कुछ आगे कार्यशैली रहेगी उस पर चर्चा की गई, क्योंकि जाहिर तौर पर बेहद कम समय अब बचा हुआ है विधानसभा चुनाव 2022 में, जिसके मद्देनजर सरकार अब इस नई टीम के साथ 7 मंत्रियों को उनका पदभार देते हुए, उन्हें नया दायित्व देते हुए हर संभव कोशिश करेगी 22 के रन को फतेह करने की। लोकभवन में पहली बार शपथ ग्रहण के बाद हम लोगों को मुख्यमंत्री जी से भेंट करने का अवसर मिला और सामान्य तौर में शिष्टाचार भेंट थी और मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है कि आगे और उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति कैसे जनभावना का सम्मान करते हुए सेवा करने के लिए अपने दायित्वों का निर्वाह करें, इसी पे चर्चा। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, जिसमें धर्मवीर प्रजापति को राज्य मंत्री बनाया गया। इसी को लेकर तमाम नेताओं से जनतंत्र टीवी ने की खास बातचीत, देखिए। हमारे साथ नए मंत्री धर्मवीर प्रजापति हैं, उनसे हम बात करते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ चर्चा हुई? देखिए, एक शिष्टाचार नए मंत्रियों के साथ बैठना था और कुछ सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को दिए हैं और दिए हैं कि सरकार की योजनाओं जो हैं और आपका जो विभाग होगा उसके माध्यम से उन योजनाओं से, सरकार की योजनाओं से कोई व्यक्ति वंचित न रह जाए, ये प्रयास आप लोगों का रहना चाहिए। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब जो संगठन के कार्यक्रम है, सम्मेलन है, उसमें जाने के लिए कोई आदेश जारी हुआ? वो तो हम लोगों की बैठक है, क्योंकि मैं संगठन में रहा हूँ, शुरू से मैं संगठन में ही रहा हूँ और कल भी हमारी मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले हम लोगों की प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। 3 महीने का रोड मैप हम लोगों का तैयार हो चुका है, हम उस पर सरकार की साथ साथ संगठन के काम पे भी ध्यान देंगे। विभाग को लेकर कोई चर्चा हुई? ये हो जाएगा 1-2 दिन में। कुल मिलाकर साफ है कि धर्मवीर प्रजापति का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी शिष्टाचार मुलाकात हुई है, इस दौरान तमाम जो संगठन के कार्य हैं, पार्टी के काम है और सरकार का काम है, उसको लेकर चर्चा हुई है और जल्दी उनको विभाग मिलेगा, जब विभाग का दायित्व संभालेंगे तो उस विभाग को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कैमरामैन मिथिलेश के साथ अवनीश कुमार, जनतन टीवी, लखनऊ। हमारे साथ नए मंत्री, सभी नए मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद सभी मंत्री निकल कर बाहर आ रहे हैं और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। जो विधायक हैं, जो मंत्री नियुक्त हुए हैं, वो एक एक करके निकल रहे हैं, अभी तक लगभग 5 कई मंत्री यहाँ से निकल चुके हैं, तो उनको जो चर्चा हो रही है। हमारे साथ संजीव गौड़ भी हैं, उनसे बात करते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत हुई, आपकी क्या बातचीत हुई? कोई उस तरह का कोई विशेष बात नहीं था, बस औपचारिकता मुलाकात हुआ और उन्होंने दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी दिए कि आप लोग को जो भी विभाग दिया जाएगा पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करिएगा और उसके साथ साथ जो भी क्षेत्र दिया जाएगा प्रभार क्षेत्र के रूप में वहाँ भी कम से कम 24 घंटा समय दे करके उस क्षेत्र का भी आप लोग को ध्यान रखना है और विभाग का भी नहीं मिल पाया है, संभवतः शाम तक विभाग का भी मालूम चल जाएगा। जो क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको लेकर भी कोई बातचीत हुई है? नहीं, क्षेत्रों में जो कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं उस पर ही दिशा निर्देश दिए कि उसके साथ साथ जो भी क्षेत्र में जो कार्यक्रम पार्टी के चलाए जा रहे हैं उसमें भी आप लोग समय समय पर सहभाग लेकर के उस पर भी आप लोग काम करिए। सभी नए मंत्रियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। हमारे साथ नए राज्य मंत्री पलटू राम हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप लोगों को मंत्र दिया है, क्या कुछ समझाया, क्या कुछ कहा?
माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और उत्तर प्रदेश के एसएसबी मुख्यमंत्री हैं। हम लोगों ने आज नए दायित्व के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, विकास परक जो योजनाएं हैं, जो जनता तक हम लोगों को पहुंचाना है, यही माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ है। विभाग के बंटवारे को लेकर कोई बातचीत हुई? अभी ये सब चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। हम लोगों को सिर्फ निर्देश ये दिया गया है कि हम लोग संयम से, धैर्य से, अनुशासन से जो सरकार की योजना है, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, वो धरातल पर पहुंचाना है। विपक्ष भी लगातार विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय हो रहा है, तो ऐसे में विपक्ष से निपटने के क्या मंत्र दिए? विपक्ष तो अभी तक पूरी तरह से क्वारंटाइन था। उनकी लड़ाई सिर्फ कोरोना से सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर थी और तब भारतीय जनता पार्टी के चाहे संगठन के लोग हों चाहे सत्ता से जुड़े लोग हों, वो आम जनता की सेवा कर रहे थे, इसलिए विपक्ष अभी भी वो क्वारंटाइन है। तो कुल मिलाकर साफ है कि पलटूराम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मंत्र दिया उसमें साफ है कि संगठन के काम और सरकार के काम में उनको हिस्सा लेना है और अपने क्षेत्र में जाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी विकास की योजना है उसका प्रचार प्रसार करना है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ अवनीश कुमार, जनता टीवी, लखनऊ। हमारे साथ संगीता बलवंत भी हैं, उनसे हम जानेंगे आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप लोगों से चर्चा की, क्या कुछ बातचीत हुई और विभागों को लेकर क्या बात हुई? देखिए, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों को अपने यहाँ बुलाए, निर्देशित किए, सुझाव दिए, मार्गदर्शन दिए। और जैसा कि आप विभाग की चर्चा कर रहे हैं तो अभी उसकी कोई सूचना नहीं है, जब हमें दायित्व मिलेगा, विभाग मिलेगा, तो वो खबर भी आप तक पहुंच जाएगी। पूर्वांचल की एक महिला को मंत्री बनाया, एक बड़ा दायित्व दिया है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है जी? नारी सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है और अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार में नारी शक्ति को स्थान प्रदान करके हमारी सरकार ने यह संदेश दिया, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो कुल मिलाकर साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी निर्देश जारी कर दिए हैं, इन सभी को विभाग दिया जाएगा और विभाग में काम करने की जो कार्यशैली है उसके बारे में उन्होंने बताया और जो पार्टी के लिए काम करना विधानसभा चुनाव में उसके लिए भी बताया। कैमरामैन मिथिलेश के साथ अवनीश कुमार, जनता टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.